अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 करने के लिए जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का प्रोसीजर देखा कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को टोटल 3 डिफरेंट वे से सॉल्व कर सकते हैं, जिसके अंदर जो मेथड्स थे उसमें फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वेयर और क्वाड्रेटिक फार्मूला था। अब ये कंप्लीट चैप्टर चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, तो हम इसमें सॉल्व तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ही करेंगे, लेकिन कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो कि देखने में या इन ट्रू सेंस वो क्वाड्रेटिक होती नहीं, लेकिन उनके अंदर कोई स्पेसिफिक टाइप की टर्म्स ऐड की जाएं तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये वो इक्वेशंस हैं विच आर रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। इनको क्या नाम दिया है कि इक्वेशंस दैट आर रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। जैसे कि टाइप वन ये है कि एक्स पावर टू एन एक्स पावर एन, तो अगर मैं एक्स पावर एन को वाई रख लूं तो ये क्या बन जाएगा, ए वाई स्क्वेयर प्लस बी वाई प्लस सी। तो वाई के अंदर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं ये देखें, ये 1/2 जो है ना, ये 1/4 पावर 2 है, आगे एक्स पावर 1/4 है। अगर मैं इस एक्स पावर 1/4 को वाई पुट कर लूं तो क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वेयर बन जाएगा माइनस वाई माइनस सिक्स। अब ये वैसी ही इक्वेशन है जैसी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व किया है। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स पावर 1/4 वाई की जगह, वाई की जब वैल्यूज आ जाएंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था, उस तरीके से सॉल्व करने के बाद जब हमारे पास वाई की वैल्यूज आ गई तो वाई की जगह पे दोबारा से एक्स पावर 1/4 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास x की जो वैल्यूज हैं 16 और 81 ये आ जाएंगे। अच्छा, इसी तरीके से टाइप टू के क्वेश्चंस हैं। टाइप वन के अंदर जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो डिस्कस किए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 इस एक्सरसाइज के टाइप वन के हैं और 6 से 13 तक टाइप टू के हैं। आज हम टाइप वन और टाइप टू को क्वेश्चंस को देखेंगे। टाइप टू के क्या हैं कि 4 फैक्टर्स आपस में इस टाइप से अलहदा से हैं, आपने उन दो दो फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करना है जिनके ये एक्स के बाद वाले कॉन्स्टेंट्स को ऐड करके देखें तो आंसर सेम आ रहा हो। तो यानी कि ए प्लस सी और बी प्लस डी अगर सेम है तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल इसके देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। एक्स माइनस सेवन, एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस फाइव। अगर मैं माइनस सेवन और फाइव को इकट्ठा करूँ और माइनस थ्री और वन को इकट्ठा करूँ तो माइनस थ्री और वन माइनस टू होता है, माइनस सेवन और फाइव भी माइनस टू होता है। तो इसका मतलब एक्स प्लस वन और एक्स माइनस थ्री को और एक्स प्लस फाइव और एक्स माइनस सेवन को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसा करने से फायदा ये होता है कि जो पहली दो दो टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ये सेम आती हैं, तो हम उसको कोई नया नाम दे देते हैं, लेट सपोज वाई दे देते हैं। तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स की जगह पे वाई आ गया, तो वाई माइनस थ्री, और ये क्या बन गया, वाई माइनस 35। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट होगी, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसी तरह सॉल्व करते जाएंगे और वाई की वैल्यूज निकालेंगे। लेकिन जब y की वैल्यूज आएंगी तो उसके बाद दोबारा उसके अंदर क्या कर देंगे, जो y की जगह पे आपने एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स रखा था वो दोबारा पुट कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, x की वैल्यूज आ जाएंगी। तो टाइप टू तक हमने क्वेश्चंस को आज अभी फिलहाल देखेंगे, तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं इन क्वेश्चंस में क्या काम किया गया है। ये एक्सरसाइज है एक्स फोर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एट। एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एट। अब किया क्या है, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को अगर वाई रख लूँ तो ये जो एक्स पावर फोर है ये वाई स्क्वायर बन जाएगा, माइनस सिक्स वाई प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास जो वैल्यूज आएंगी वो वाई माइनस टू और वाई माइनस फोर आ जाएंगे। तो इसका मतलब y का एक आंसर 2 आ जाएगा, एक आंसर जो है वो 4 आ जाएगा। तो y की जगह पे y की जो वैल्यू अब आप लोगों ने पुट की थी वो अगेन दोबारा से रिसब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x का एक आंसर जो है वो 2 आ गया, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट आ गया, और एक आंसर जो है प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट यानी कि प्लस माइनस 2 आ गया। इसी तरह ये x इनवर्स की पावर 2 बन रही है, ये x इनवर्स की 1 पावर है, तो आप x इनवर्स को y रख लें इसके अंदर भी, तो जब y की वैल्यू आखिर में निकलेंगे उसकी जगह पे x इनवर्स यानी कि 1 ओवर x रख लेंगे तो दोबारा से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप लोगों के पास आंसर आ जाएंगे इसके। तो इनमें एक्स क्यूब को आपने वाई रखना है। अच्छा, इसको सॉल्व करते हुए आखिर में ये ध्यान रखना है
एक्स क्यूब को जब वन रखते हैं ना, तो हम आम रूटीन में बाज़ का स्टूडेंट को देखते हैं वन क्यूब लिख लेते हैं इधर भी और एक्स की जगह पे वन, ऐसा नहीं करना। इस वन को परे ले जाके ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लिखना है, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, ए का आंसर ये, और एक इस क्वाड्रेटिक पार्ट को सॉल्व करके ये आंसर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है जो मेज नहीं है। तो तमाम आंसर्स आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं इसके अंदर। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन नंबर फोर है, इसमें भी एक्स क्यूब को ही वाई रखा जाएगा, और ये टाइप वन का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें एक्स पावर वन ओवर फाइव को वाई रखेंगे तो आप लोगों का जो आंसर है वो आ जाएगा। ये देखिए वन ओवर फाइव रखा है तो वाई आ गया, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद जब वाई की वैल्यूज आई हैं, एक्स पावर वन ओवर फाइव इज इक्वल टू टू। अब वन ओवर फाइव को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, दोनों साइडों पर पावर फाइव ले लें तो एक्स की वन बच जाएगा, टू पावर फाइव और फोर पावर फाइव, तो उसके आंसर्स आप लोग लिख लेंगे। और जो आंसर्स आएंगे उनको सोल्यूशन सेट में लिखना है, क्योंकि जब आप लोगों के पास एक्स का एक आंसर आएगा तो वो तो उसका सोल्यूशन होगा, लेकिन अगर ज़्यादा आंसर आ रहे हैं तो वो सोल्यूशन सेट बनेगा। अच्छा, उसके बाद ये टाइप टू है, जैसे हमने बात की थी कि इसके अंदर टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करना है तो आपने उन फैक्टर्स को आपस में ज्वाइन करना है, उन फैक्टर्स को आपस में मिलाना है जिनके बाद वाले कंपोनेंट्स को ऐड करने के बाद आपके पास टर्म्स जो हैं वो सेम आते हैं। तो वन टू थ्री और फोर, तो अगर इसके अंदर हम देखें तो वन और फोर को ऐड करके फाइव आता है, और टू और थ्री को ऐड करके जो है हमारे पास फाइव आता है। ओके, तो इसमें हमने x प्लस वन और x प्लस फोर को मल्टीप्लाई किया, तो देखें पहली दो टर्म वैसी जैसे आप लोगों को बताया था एक जैसी आ गई, तो उसको y रख लिया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ी आसानी से फिर बन जाती है। तो वहाँ से y की वैल्यूज निकालेंगे, और जो y की शक्ल में आप लोगों ने आंसर नहीं लिखना, बल्कि y की जगह पर दोबारा वही वैल्यू जो आपने x की शक्ल में लिखी थी यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, वो दोबारा से पुट कर देंगे, तो फिर हमारे पास x के आंसर हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये उसका ओवरऑल आंसर है। अच्छा, इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, बाकी तमाम क्वेश्चंस एक जैसे रहेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन तक। टेन जो है एक्स के साथ देखें टू आ गया, तो आपने यूं समझना है कि वन और फाइव दोनों को मिलाया है तो सिक्स आ गया है, और थ्री और थ्री ये मेरे पास सिक्स है, लेकिन इन ट्रू सेंस ऐसा है नहीं। उसकी रीज़न ये है कि जब टू है ना तो आपने उसके साथ वाले नंबर को हाफ काउंट करना है, यानी कि सिंगल सिंगल एक्स वाले ये दोनों टर्म है ना, वन और थ्री कितने हो गए फोर। अच्छा, टू के साथ वाले कौन सी टर्म हैं, थ्री और फाइव हैं, तो थ्री और फाइव मिलके एट बनते हैं, लेकिन इनके साथ एक्स भी तो डबल था, तो एट को जब टू पे डिवाइड करेंगे तो वो फोर ही बन जाएगा। तो देखिए मैंने वन और थ्री को और थ्री और फाइव को, थ्री और फाइव टू एक्स वाले हैं, तो इनके जो कोफिशेंट्स हैं जब एक्स अकेला अकेला करेंगे इनके टू कॉमन लेंगे तो थ्री ओवर टू और फाइव ओवर टू बन जाएंगे, जो कि फोर ही बनता है। अच्छा, इनको फिर मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से ज़ाहिर है जब आप मल्टीप्लाई हो गए तो टू आपस में मल्टीप्लाई होगा, फोर कॉमन जब आएगा तो फिर फोर कॉमन आने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स कॉमन आ जाएगा, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यही काम इसके अंदर था और यही काम इसमें है, टू एक्स माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री। अच्छा, इसमें आप देखें ये जो टर्म है ये माइनस सेवन है, अगर मैं टू वाले कॉफिशेंट्स को एक तरफ देखूं, माइनस सेवन और प्लस फाइव माइनस टू बनता है, माइनस टू ओवर वन माइनस वन, और ये जीरो बनता है, तो इसका मतलब ये नहीं आ सकते। हम इसमें क्या करेंगे, जो टू वाला है ना इसको हाफ काउंट करें ना, माइनस सेवन ओवर टू और ये माइनस थ्री, माइनस सेवन ओवर टू और माइनस थ्री माइनस क्यों होंगे, ये प्लस, किसका मतलब एक प्लस और माइनस इकट्ठा कर लें, माइनस सेवन ओवर टू और थ्री को ऐड करेंगे तो ये माइनस वन ओवर टू बच जाएगा, और फाइव को और माइनस थ्री को, माइनस थ्री और फाइव ओवर टू को इकट्ठा करेंगे तो वो भी वन ओवर टू बच जाएगा। तो इस तरीके से हम ये करेंगे इसको। ओके, इनको जब सिंपलीफाई करेंगे तो फिर हमारे पास दोबारा से यूसी टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और वाई की जगह पे वही वैल्यू दोबारा पुट करके आप लोगों ने सॉल्व कर लेना। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये थोड़ा सा आप लोगों कॉन्सेप्ट को मजीद इन्हांस कर देगा कि देखें दो दो टर्म इसकी, ये भी क्वाड्रेटिक ये भी क्वाड्रेटिक, लेकिन इसकी पहली दो दो टर्म एक जैसी नहीं है, इसका मतलब ये फैक्टर्स थे लेकिन गलत मल्टीप्लाई हुए हैं, तो आप इनके दोबारा फैक्टर बनाएं, ये जो फैक्टर बने अब इनकी अरेंजमेंट ऐसे करें
टू और एट 10 बनते हैं, 4 और 6 10 बनते हैं, तो 2 और 8 वालों को मल्टीप्लाई करके देखें और 4 और 6 वालों को मल्टीप्लाई करके, तो अब आपके पास पहले दो दो टर्म एक जैसी हैं, उसको वाई रख लें, तो फिर ये इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक आप लोगों ने जी इसको देखना है, टाइप 1 और टाइप 2 यहाँ तक हो गई हुई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम टाइप 3 और 4 को इस एक्सरसाइज की डिस्कस करेंगे।